हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ होमोफोन्स के बारे में। तो उससे पहले कि हम उसकी चर्चा करें, जानते हैं होमोफोन्स होता क्या है? होमोफोन आर द वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका उच्चारण कुछ हद तक मिलता जुलता होता है। और स्वाभाविक है, जब स्पेलिंग डिफरेंट है तो मीनिंग भी, अर्थ भी उसका जो है डिफर करता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे ही वर्ड्स को जो है होमोफोन्स कहा जाता है। तो होमोफोन्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम कुछ होमोफोन्स के एग्जांपल्स को देखते हैं, काफ़ी जो कि कॉमन है और उसमें हम गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आप पहला देख सकते हैं एक्शन। एक्शन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कार्य, कोई काम। दूसरा है ऑक्शन, स्पेलिंग पर गौर कीजिएगा, ऑक्शन जिसका अर्थ होता है नीलामी। तो दूसरे हम लोग जो है होमोफोन की बात करें तो वो है एडवाइस। एडवाइस दो तरह का स्पेलिंग जो है ये अपने साथ रखता है। कभी आपको यहाँ पर सी दिखेगा, कभी जो है एस दिखेगा। जब सी होता है तो वह एक नाउन होता है, और यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। एडवाइस में यदि सी है तो हम उसे नाउन मानेंगे, और जब एस हो तो हम उसे वर्ब मानेंगे। जो तीसरा है एंगल, जिसका अर्थ जानते ही कोण होता है, एक नाउन है, और इसी का एक होमोफोन होता है एंजल। एंजल जिसको हम लोग हिंदी में देवदूत या फरिश्ता कहते हैं। अगला है जैसे कि बैग, थोड़ा सा डिफरेंट भी प्रोनाउंसिएशन है बैग। और दूसरा है बैग। बैग एक वर्ब है जिसका अर्थ भीख मांगना होता है, बैग जिसका अर्थ होता है आपका थैला। ठीक है, अगला है बैड, बुरा, और उसी तरीके का है ये भी। बैड मतलब बुरा, वो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर हमें एडजेक्टिव लिखना चाहिए, बैड एक एडजेक्टिव है। और जो है बेड, दूसरा जो होता है जिसका अर्थ होता है बिस्तर, बिछावन जिसको कहते हैं। अगला है बियर। बियर जो है एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो बियर जो नाउन होता है उसका अर्थ वालू होता है, सभी जानते हैं। और जो बियर का अर्थ होता है दूसरा वर्ब के रूप में, वो होता है बर्दाश्त करना, सहना। और दूसरे स्पेलिंग्स में इसके होमोफोन्स को देखते हैं। इसका होमोफोन एक है बियर, जिसमें डबल ई आर होता है, तो बियर जिसका अर्थ शराब होता है। और फोन बेयर जो है, बेयर एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है। बेयर नग्न जो है या स्पष्ट जिसको कहते हैं, नाउन है, और बेयर का अर्थ नग्न करना, एक वर्ब होता है। अगला है जैसे बर्थ। आप रेलवे में, यदि रेल में आप ट्रेवल किए होंगे तो आप बर्थ के बारे में शायद जान रहे होंगे। इसका स्पेलिंग डिफरेंट होता है, ये बर्थ BERTH होता है, जिसका अर्थ होता है गाड़ी में सोने की जगह। सोने की जगह को जो है बर्थ कहा जाता है। और दूसरा बर्थ जो नाउन होता है ये भी, और इसका अर्थ जन्म होता है, जन्म। अगला है सीज, काफ़ी दोनों का प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता ही है। सीज जिसका अर्थ होता है रुकना, खुद ही रुक जाना, सीज हो जाना, नहीं कहते हैं सीज हो गया, इंजन सीज हो गया। और दूसरा सीज जो है ये वे भी वर्ब है, लेकिन इसका डिफरेंट अर्थ होता है। सीज का अर्थ होता है जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना किसी चीज़ के ऊपर, तो हम उसे सीज कहते हैं। अगला जो होमोफोन्स हैं वो आपका कॉर्प्स, कॉर्प्स CORPSE। कॉर्प्स एक नाउन है जिसका अर्थ जो है शव या लाश होता है। और दूसरा जो है इसको कॉज पढ़ा जाता है, एक्चुअली पी साइलेंट होता है इसमें, कॉज पढ़ा जाता है। मिलता जुलता स्पेलिंग है इसका, और इसका अर्थ जो है दल या समूह या दस्ता कहा जाता है। सैनिकों के समूह को अक्सर कॉज कहा जाता है। और एक लास्ट वन जो होमोफोन्स हम लोग ने लिया हुआ है वो है पेन, PEN। पेन एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। पेन का अर्थ कलम भी होता है, पेन का अर्थ लिखना भी होता है। और पेन जो कि नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पेन का अर्थ दर्द भी होता है, वो भी एक वर्ब है। दर्द देना, तकलीफ देना किसी को, दुख देना, वो भी पेन कहलाता है। और एक पेन है PANE, जिसका अर्थ होता है खिड़की का शीशा, खिड़की का कांच, वो भी जो है पेन कहलाता है। और एक पैन जो है PAN, वो एक कढ़ाई होता है या बर्तन जिसमें हम लोग कुछ खाना पकाते हैं, उसी प्रकार का ये होता है, उसी को पैन कहा जाता है। तो दीज वर द होमोफोन्स फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।